Hey guys, Nawazir from thenerdhound.com और ये है The Hunting of Bly Manor का recap। इसके spoiler free review के लिए description box में दिए गए links को check करें। कहानी की शुरुआत होती है एक middle age lady से, जिसे हाल ही में Lady of the Lake का सपना आया था। देख के लग रहा है कि ये दरवाजे के पास बैठे किसी का इंतजार करते हुए सो गई थी। जगह है Northern California और साल है 2007। फिर ये unknown lady टैक्सी लेकर rehearsal dinner attend करने जाती है। हाँ भाई, वो लोग शादी से पहले खाने की भी प्रैक्टिस करते हैं, और इधर साला हमें शादी की रात तक पता नहीं होता कि करना क्या है। डिनर की प्रैक्टिस पूरी होने के बाद सारे बैठकर एक दूसरे को घोस्ट स्टोरी सुनाने लगते हैं। सबके पास ढेर सारा टाइम भी है और वाइन भी। तभी ये लेडी ने सालों पहले हुई ब्लाय मैनर की घोस्ट स्टोरी सुनाने लगती है। फ्लैशबैक टू 1987। हेनरी विनग्रेव अपने नेफ्यू और नीस माइल्स और फ्लोरा की देखभाल करने डैनी क्लेटन को हायर करता है। माइल्स और फ्लोरा के पेरेंट्स एक हादसे में मारे गए थे, जिसके बाद ये दोनों बच्चे इंग्लैंड के ब्लाय नामी जगह में अपने प्राइवेट मैनर में रहते हैं। तो सिंपल भाषा में ब्लाय मैनर मतलब ब्लाय की हवेली। डैनी इस नैनी वाले जॉब के लिए क्लियरली ओवर क्वालिफाइड है। देख के लग रहा है कि वो अपने पास से भाग रही है। डैनी से पहले विनग्रेव ने जिस नैनी को हायर किया था, उसने ब्लाय में सुसाइड करके अपनी जान दे दी। तब से सबको लगता है कि ब्लाय मैनर एक श्रापित जगह है, इसीलिए कोई वहां जाकर बच्चों का ख्याल रखना नहीं चाहता। विनग्रेव की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर डैनी उसे ये जॉब देने पर मजबूर करती है। ओह बाय द वे, डैनी को बीच बीच में ये चमकते चश्मे वाली परछाई दिखती है। क्लियरली इस परछाई का इसके पास के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है। शायद इसी से पीछा छुड़ाने वो अपने करियर को छोड़कर एक रिमोट लोकेशन पर जाकर बच्चों की नैनी बनने तक तैयार होगी। हवेली का बावर्ची ओवन डैनी को पिक करके ब्लाय लेकर जाता है। माइल्स और फ्लोरा से पहली बार मिलते ही डैनी समझ जाती है कि बच्चों में कुछ गड़बड़ है। इतना ही नहीं, ये जब माइल्स से मिली थी तब वहां खड़ी इनके घर की केयर टेकर है ना, उसे पूरी तरह से इग्नोर करके कुएं के अंदर कुछ देख रही थी। डैनी समझ जाती है कि यहां के सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी काफी अजीब हैं। फ्लोरा के रूम में रखे गुड़िया और उसका बात करते हुए खाली जगह में पीछे देखकर इशारे करना डैनी को बहुत परेशान करता है। फ्लोरा ने उसकी सारी गुड़िया यानी टेलिस्मैन को उनकी स्पेसिफिक जगह पर रखा होता है, और वो नहीं चाहती कि डैनी उनके प्लेसमेंट को थोड़ा भी हिलाए। हैना का मानना है कि ये टेलिस्मैन फ्लोरा के डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, वो इनके बीच सेफ महसूस करती है। सोने से पहले फ्लोरा डैनी से वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आधी रात को अपने रूम से बाहर मत निकलना। अगले दिन डैनी को घर के बालकनी में एक अननोन आदमी दिखता है, बट वहां जाकर तलाशी लेने पर उसे कोई नहीं मिलता। हवेली के गार्डन का ध्यान रखने इनके पास एक प्राइवेट गार्डनर भी है, जो पहले तो डैनी को बिल्कुल घास नहीं डालती, बट आगे चलकर ये दोनों बहुत क्लोज हो जाएंगे। उसी रात डैनी फ्लोरा की एक सफेद गुड़िया को एक्सीडेंटली लात मार देती है। ये देखकर कि गुड़िया की लोकेशन चेंज हो गई है, दोनों बच्चे डैनी को उनके स्टोरेज रूम में बंद कर देते हैं। अंदर अटके डैनी को फिर से वो परछाई दिखती है, बट इसके लाख चिल्लाने के बाद भी बच्चे दरवाजा नहीं खोलते। बट सरप्राइजिंगली कुछ घंटे बाद बच्चे दरवाजा खोलकर इसे बाहर लाते हैं, ये बोलकर के दरवाजा एक्सीडेंटली बंद हो गया था। बाहर आने पर डैनी देखती है कि वो सफेद गुड़िया फिर से अपनी जगह पर चली गई, और सीढ़ियों पर किसी के कीचड़ वाले पैरों के निशान हैं। डैनी को लगता है कि शायद बच्चे इसे अंदर बंद कर आधी रात को बाहर घूमने गए थे। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि माइल्स ने बोर्डिंग स्कूल से भागने के लिए सारी हदें पार कर दी थी, झूठे सुसाइड अटेम्प्ट से लेकर परिंदों का मर्डर तक, क्योंकि फ्लोरा चाहती थी कि उसका भाई स्कूल छोड़कर वापस उसके पास ब्लाय आ जाए। ओके, बैक टू प्रेजेंट टाइम। स्टोरेज रूम में लॉक करने वाले हादसे के बाद डैनी बच्चों से सजा के तौर पर सफाई के काम करवाती है। हेना और उनकी गार्डनर जेमी डैनी के इस बिहेवियर से बहुत इंप्रेस्ड हैं, क्योंकि बच्चों को सही रास्ते पर लाना है तो सिर्फ पैर से काम नहीं चलने वाला। फिर हम देखते हैं कि बीच बीच में कोई इन्हें ब्लैंक कॉल्स करके परेशान कर रहा है। माइल्स डैनी को फ्लावर देके उससे फ्लर्ट करने लगता है। ये देखकर डैनी बहुत परेशान होती है, मानो कुछ टाइम के लिए माइल्स एकदम बदल सा गया था। तभी फ्लोरा को डैनी के सामान में राउंड शेप का चश्मा मिलता है, जिसे देखकर डैनी को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। यप, वही चश्मे वाली परछाई का कनेक्शन है कोई। रात में लुका छुपी खेलते वक्त, वाह भाई वाह, हॉन्टेड हाउस में रात में लुका छुपी खेली जा रही है। एनीवेज, रात में लुका छुपी खेलते वक्त हवेली के एक प्राइवेट रूम में डैनी को पुरानी नैनी रेबेका और एक आदमी के फोटोग्राफ्स मिलते हैं। फोटो देखकर डैनी समझ जाती है कि ये तो वही बंदा है जिसे उसने कुछ दिनों पहले बालकनी में देखा था। बट तभी माइल्स वहां पर आकर डैनी का ध्यान भटकाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवेली के कुछ भूत बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी हैं, जो चुप बोलने पर चुप हो जाते हैं। भूत से याद आया, जब भी दो कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशन चल रहा हो तो उनके बैकग्राउंड पर ध्यान देना। बीच बीच में ये बैकग्राउंड में खड़े रैंडम भूत देखने के चांसेस हैं, जो पहले तो काफी क्रीपी लगता है बट धीरे धीरे फनी लगने लगता है। सारे इग्नोर कर देते हैं यार इनको, गजब बेइज्जती है इन भूतों की। डैनी को फिर से घर के बाहर वो अननोन आदमी दिखता है, बट तभी माइल्स बेहोश होने का नाटक करके फिर से डैनी का ध्यान भटकाता है। ये माइल्स की मासूमियत पर मत जाना समझे। ये अननोन बंदे का नाम है पीटर क्विंट, जो इनके अंकल हेनरी के लिए काम करता था। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि रेबेका और पीटर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे।
पीटर अपने सेटिंग का फायदा उठाकर रेबेका को हवेली में रखी महंगी महंगी चीजें गिफ्ट करता था। हैना को इनका ये रिलेशनशिप और पीटर दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे पहले से लगता था कि ये पीटर बंदा बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक है। फिर हम देखते हैं कि पीटर वाकई में प्रॉब्लमेटिक बंदा है। उसे शक करने की बीमारी है और वो धीरे धीरे रेबेका पर अपना रौब झाड़ने लगा है। बैक टू प्रेजेंट टाइम, डैनी के कहने पर पुलिस हवेली के आसपास का सारा इलाका छान मारती है, बट इन्हें कुछ नहीं मिलता। यह हमें पता चलता है कि रेबेका के मरने से पहले पीटर हेनरी का ढेर सारा पैसा चुरा कर भाग गया था। इन्हें शक है कि वो ब्लैंक कॉल्स पीटर ही कर रहा था। शायद उसे नहीं पता कि रेबेका ने सुसाइड कर लिया और उसके फोन न उठाने पर पीटर उसे ढूंढता हुआ हवेली तक पहुंच गया। बट पुलिस को यह बात हजम नहीं होती कि पीटर रेबेका के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। अगर वाकई में प्यार करता था तो उसे अपने साथ लेकर भागता। इसका प्यार अचानक महीनों बाद कैसे जाग गया। अगली सुबह डैनी देखती है कि फ्लोरा तालाब के पास खड़ी कुछ घूर रही है। ये वही तालाब है जहाँ फ्लोरा को रेबेका की लाश मिली थी। फ्लोरा यहाँ खड़े होकर दूसरे किनारे पर मौजूद रेबेका के भूत को देख रही थी। डैनी को लगता है कि शायद फ्लोरा को नींद में चलने की बीमारी हो गई, बट डॉक्टर का मानना है कि फ्लोरा फिजिकली एकदम फिट है, विच मीन्स प्रॉब्लम मेंटल वाला है। फिर दोनों बच्चे बड़ों का मूड अच्छा करने इनके सामने एक प्ले रखते हैं, स्टोरी टाइम, जहाँ फ्लोरा की स्टोरी एकदम क्यूट और उसी की तरह परफेक्टली स्प्लेंडेड थी, वहीं माइल्स की स्टोरी उसी के ट्विस्टेड दिमाग की तरह निहायत ही डार्क थी। तभी अचानक उन्हें कॉल आता है कि ओवेंस की माँ गुजर गई। तो ओवेंस एक प्रोफेशनल शेफ है जो पेरिस से यहाँ बस अपनी बीमार माँ की देखभाल करने आया था। फन स्टोरी टाइम के सैड एंडिंग के बाद डैनी जेमी को हिंट देती है कि वो उसे पसंद करती है। याद रखना ये 1987 है, तब सेम सेक्स मैरिजेस उधर भी इलीगल थे। जेमी के वहां से जाते ही डैनी को फिर से वो चमकते चश्मे वाला भूत दिखता है, इस बार फुल क्लोजअप में। ओके, चलो फाइनली इस चश्मे वाले भूत की बात करते हैं, जो पता नहीं क्यों बट मुझे कूल एनिमे कैरेक्टर्स की याद दिलाता है। इस बंदे का नाम है एडमंड। एडमंड डैनी के बचपन का दोस्त और बाद में उसका होने वाला पति था। दुनिया वालों से डरकर डैनी ने सबसे अपने गे होने की सच्चाई छुपा के रखी, पर शादी के ठीक पहले डैनी का जबरदस्त ब्रेकडाउन हो गया और उसने एडमंड से अपनी शादी तोड़ दी। इनके इसी ब्रेकअप वाली झगड़े की रात एडमंड एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। मरने से पहले आखिरी बार उसने अपने सामने ट्रक के हेडलाइट्स देखे, इसीलिए इसकी आंखें चमकती हैं। मतलब डैनी के गे होने और उनके ब्रेकअप के बारे में सिर्फ उसे और एडमंड को ही पता था। बस इसी गिल से भागकर ये अमेरिका छोड़कर इंग्लैंड आई थी। यहाँ आने से पहले एडमंड की माँ ने उसका चश्मा डैनी को दे दिया था एज एन आखिरी निशानी, और बस तब से एडमंड का भूत इसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से डैनी ओवेन के घर फ्यूनरल पर भी नहीं जाती, बट उस रात ओवेन खुद वहां आता है और सारे बैठकर बॉनफायर के सामने बैठे एक दूसरे के लॉसेस डिस्कस करते हैं, उनके लव्ड वंस की आत्मा को शांति पहुंचाने। बट डैनी और जेमी इन सबसे दूर जाकर अपनी आत्माओं को शांत करने लगते हैं कि तभी डैनी को फिर से एडमंड दिखता है। डैम इट सच अ कॉक ब्लॉक। ओह वेट, उस रात डैनी 2 बजे तक पीती है, बट तभी फ्लोरा देखती है कि वह सफेद डॉल घर के अंदर पहुंच गई। अगर अब तक नहीं समझे तो डॉल हाउस में रखे ये डॉल्स हवेली में मौजूद भूतों की लाइव लोकेशन बताते हैं। फ्लोरा और माइल्स दोनों समझ जाते हैं कि डैनी की जान खतरे में है, और इससे पहले कि डैनी उस सफेद गुड़िया यानी लेडी ऑफ द लेक के रास्ते में आए, वो उसके बाहर जाने तक डैनी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर बच्चों के सोने के बाद डैनी बाहर जाकर एडमंड के चश्मे को बॉनफायर में जला देती है, उसकी आत्मा को जबरदस्ती शांति पहुंचाने। शो के चलते वक्त हैना को बीच बीच में दीवारों पर अजीब से क्रैक्स दिखाई दे रहे थे। फिर आता है शो का प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट। हैना को पता चलता है कि वो बीच बीच में अपने ख्याली दुनिया में खो जाती है, मानो एक टाइप का मेमोरी लूप। पुरानी यादों में रैंडमली घूमने फिरने के बाद वो फिर से अपने 2 कॉन्स्टेंट मेमोरीज में पहुंच जाती है, उस दिन जब इसने पहली बार ओवेन को देखा था उसके इंटरव्यू के दौरान, और दूसरा वो बॉनफायर वाली रात जब ओवेन ने उसे अपने साथ पेरिस चलने को कहा था। क्लियरली ओवेन और हैना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तभी हैना फिर से फिसल कर अपनी एक और पुरानी मेमोरी में जाती है, जहां वो देखती है कि पीटर रेबेका को बता रहा है कि वो यहां से भागने का प्लान बना रहा है। बट जैसे ही पीटर रेबेका के रूम से बाहर निकलकर एक्सीडेंटली लेडी इन द लेक के रास्ते में आता है, वो इसका गला पकड़कर इसे मार देती है। ये सारी घटना को पास खड़े बच्चे भी देख लेते हैं, तो अब समझा वो क्यों डैनी को इसके रास्ते में आने से रोक रहे थे। मरने के बाद पीटर भी अब हवेली के भूतिया लिस्ट में शामिल हो गया, बट बाद में पीटर को पता चलता है कि अगर वो चाहे तो वो माइल्स की बॉडी में घुस सकता है। मतलब जब भी माइल्स अजीब वाली हरकतें करता था तब उसकी बॉडी में पीटर की आत्मा थी। बट वेट, हैना के ध्यान में आता है तो ये तो उसकी मेमोरी का पार्ट नहीं था, तो उसे ये क्यों दिख रहा है। जिस दिन डैनी फर्स्ट टाइम हैना से मिली थी उसी दिन हैना को पता चल गया था कि पीटर माइल्स की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सबसे अपने इस राज को छुपाने पीटर ने माइल्स की मदद से हैना को कुएं में ढकेल कर मार दिया, और उसी दिन हैना भी हवेली की एक भूत बन गई। याद है जब डैनी से मिली थी तब हैना पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट थी। वेल, उस दिन वो नीचे कुएं में पड़ी अपनी लाश को देख रही थी। वो दीवार वाले क्रैक से याद है, हैना ने मरने से पहले कुएं की दीवार पर मौजूद इसी क्रैक को देखा था, और इसीलिए उसके भूत को सब इधर यही क्रैक्स दिखाई दे रहे थे। तो टेक्निकली ये अपने विल पावर से ये भूल गई कि वो अब हवेली की भूत है। बाप रे, इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म।
एक बार हवेली का भूत बन जाओ तो शायद आप अपने साथी भूतों की यादों में भी घुस सकते हो। इसीलिए हैना को वो पीटर की मौत वाला सीन दिख गया। ओके, एक और अजीब सा प्लॉट ट्विस्ट मोमेंट। फ्लोरा और माइल्स के पापा डोमिनिक बिजनेस के चक्कर में अक्सर घर से बाहर रहा करते थे। इसी दौरान हेनरी और फ्लोरा की माँ शार्लेट के बीच अफेयर शुरू हो गया और फ्लोरा हेनरी की ही नाजायज बेटी है। जैसे ही डोमिनिक को ये बात पता चली, उसने हेनरी को अपनी फैमिली और घर से बैन कर दिया। इसके बाद शार्लेट और डोमिनिक अपने रिलेशनशिप को फिर से सुधारने इंडिया घूमने चले गए, जहां वो दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। बस तब से हेनरी ने खुद को इनकी मौत का जिम्मेदार समझकर अपना एक ईविल परसोना बना दिया। ये दिन रात ऑफिस में बैठे अपने ईविल परसोना के साथ दारू के नशे में डूब गया। वो ब्लैंक कॉल्स याद है, वो सारे कॉल्स हेनरी ने ही किए थे, ये सोच कर कि शायद एक दिन इसकी बेटी फोन उठाएगी। बट इसकी कभी हिम्मत नहीं हुई न फ्लोरा से बात करने की और ना ही उसे जाकर मिलने की। और इसीलिए उस हादसे के बाद हेनरी खुद कभी ब्लाइंड नहीं गया, क्योंकि मरने से पहले डोमिनिक ने उसे वहां जाने से बैन कर दिया था। समझ लो एक टाइप की आखिरी ख्वाहिश। फिर हम देखते हैं कि हेना की तरह ही फ्लोरा भी अपने यादों में ट्रैवल कर सकती है। अपेरेंटली अगर भूत चाहे तो वो जिंदा इंसानों से भी ये करवा सकते हैं। फ्लोरा को ये यादों वाला सफर रेबेका का भूत करवा रहा था, बट फ्लोरा अब अपनी यादों में ट्रैवल कर करके थक चुकी है। और रेबेका को अपने रूम में बुलाकर बोलती है कि प्लीज इस चीज को बंद कर दो, मुझे सोकर सपने देखने हैं, अपनी यादें नहीं। बट उसी वक्त डैनी फ्लोरा के बेडरूम में आती है और वो भी रेबेका के भूत को देख लेती है। बट इससे पहले कि डैनी बच्चों को लेकर वहां से भाग जाए, माइल्स पीटर के कहने पर उसे बेहोश करके बांध देता है। फ्लैशबैक टाइम। भूत बनने के बाद पीटर रेबेका से मिलकर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि अगर एक बार कोई ब्लाइंड मैनर का भूत बन जाए तो वो यहां से कभी बाहर नहीं जा सकता। बट अगर रेबेका उसे अपनी बॉडी में घुसने के लिए सच्चे दिल से इन्वाइट करे तो फिर ये दोनों साथ मिलकर हवेली के बाहर जा सकते हैं। अब ये नहीं पता कि पीटर को ये भूत वाला नॉलेज किसने दिया, मे बी भूतों का कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल हो। एनीवेज, रेबेका पीटर को अपनी बॉडी में इनवाइट करती है, बट वो उसके साथ भागने की बजाय उसे पास वाले लेक में डुबाकर मार देता है। रेबेका ये देखकर बहुत नाराज और गुस्सा होती है, बट अब उसके पास ऑप्शन ही क्या बचा है। बैक टू 1987 वाला प्रेजेंट टाइम। तो पीटर का प्लान ये है कि ये दोनों फ्लोरा और माइल्स की बॉडी में घुसकर अपनी जिंदगी की नई से शुरुआत करेंगे। अगर समय रहते ये लोग हवेली से नहीं निकले तो ये लोग भी बाकी भूतों की तरह सब कुछ भूल जाएंगे, इवन उनके चेहरे भी। ये सब चीजें पास में बंधी पड़ी डैनी सुन रही होती है। माइल्स और फ्लोरा मंत्र पढ़कर पीटर और रेबेका को अपनी बॉडी में इनवाइट करते हैं। इट्स यू, इट्स मी, इट्स अस। पीटर और रेबेका को नई लाइफ मिल जाएगी और इसके बदले ये दोनों बच्चों को उनके मम्मी पापा की यादों में हमेशा हमेशा के लिए अटका कर रख देंगे। मैन, दैट्स सैड। तभी वहां पर हैना आकर बाहर से दरवाजा खटखटाती है। इस हैना वाले प्रॉब्लम का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालने पीटर यानी माइल्स उसे लेकर कुएं के पास जाता है। वहां से वापस आकर पीटर डैनी को भी मारने वाला था, बट फिर हम देखते हैं कि फ्लोरा बस रेबेका के कहने पर एक्टिंग कर रही थी। रेबेका ने फ्लोरा की बॉडी को नहीं पोजेस किया। रेबेका फ्लोरा और डैनी को वहां से समय रहते भागने को कहती है, बट फ्लोरा को माइल्स के बिना कहीं नहीं जाना। फ्लोरा को समझाने के चक्कर में डैनी द लेडी इन द लेक के रास्ते में आती है एंड बैम, चोक स्लैम। तो ये लेडी इन द लेक अपने रास्ते में आने वाले लोगों को चोक स्लैम देकर उनके बॉडीज को अपने साथ तालाब के अंदर लेकर जाती है, विच मीन्स शी इज द रियल अंडरटेकर। आई नो, बैड जोक। ऑलराइट, सुपर डुपर फ्लैशबैक टाइम, एकदम सदियों पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट वाली दुनिया। ये कहानी है ब्लाइंड मैनर के ओरिजिनल ओनर्स की। अपने पिता की मौत के बाद दोनों बहनें वायला और परडिटा अकेले पड़ जाते हैं। उस जमाने में लेडीज को ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए वायला अपने घर को बचाने की खातिर दूर के रिश्तेदार आर्थर से शादी कर लेती है। वायला को कपड़ों और गहनों का बहुत शौक था और इसी के चलते इसने ढेर सारे जेवरात और कपड़े जमा कर लिए थे। वायला और आर्थर को इजाबेल नाम की बेटी होती है। सब कुछ ठीक चला था, बट फिर अचानक वायला को एक जानलेवा लंग्स की बीमारी होती है। पहले नहीं लगा था कि शायद वायला ब्लैक प्लेग का शिकार हो गई, बट बाद में डॉक्टर कंफर्म करता है कि ये प्लेग नहीं है बट बीमारी तब भी जानलेवा है। इजाबेल की खातिर आर्थर और परडिटा वायला को एक अलग रूम में शिफ्ट करते हैं। आर्थर बहुत ही ज्यादा रिलीजियस बंदा था, इसीलिए वायला की अंतिम घड़ियों में एक प्रीस्ट को बुलवाकर उससे मरने से पहले माफी मांगने वाला कोई रिचुअल करवाता है। बट वायला जिद करती है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, उसे ऊपर वाला भी इस घर से निकाल नहीं सकता। धीरे धीरे वायला का बिहेवियर वायलेंट होने लगता है और उसके इसी वायलेंट बिहेवियर से तंग आकर परडिटा उसे मार देती है। मरने से पहले वायला ने अपने सारे कपड़े और कीमती गहने एक संदूक में बंद करके रख दिए थे ताकि आगे चल के इसकी जवान बेटी इन्हें यूज करे। अपने घर को न छोड़ने वाली जिद और गहनों में अटकी जान की वजह से वायला की आत्मा उसी संदूक में फंसी रह जाती है, इस इंतजार में कि एक दिन उसकी जवान बेटी इस संदूक को खोलकर उसे आजाद कर देगी।
वायोला के मरने के बाद पर्डिटा और आर्थर शादी कर लेते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आर्थर के लाख मना करने के बावजूद भी पर्डिटा वो संदूक खोल देती है। ये देखकर के संदूक उसकी बेटी ने नहीं बल्कि पैसों की हौसी पर्डिटा ने खोला है, वायोला की आत्मा उसे मार देती है। संदूक के पास मिली पर्डिटा की लाश को देखकर आर्थर समझ जाता है कि ये घर और संदूक दोनों श्रापित हैं, और फिर आर्थर उस संदूक को तालाब में फेंक कर उसकी बेटी के साथ ब्लाई को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला गया। तब से वायोला की आत्मा अपनी बेटी की तलाश में तालाब से निकलकर हवेली के बेडरूम में जाती है, और इसके रास्ते में जो भी आए उसे अपने साथ लेकर तालाब में चली जाती है। सालों तक जितने भी लोग इसके रास्ते में आए वो इसके हाथों मरकर हमेशा हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे वायोला की यादें और उसका चेहरा मिटने लगा, बट उसकी जिद और अपनी बेटी को देखने की ख्वाहिश ने उसे ब्लाई मैनर से बांधे रखा। अपनी ब्लाई मैनर को कभी ना छोड़ने वाली जिद की वजह से ही वायोला ने अपने लिए यहाँ पर एक छोटी सी पर्गेटरी बना ली। पर्गेटरी मतलब भटकती आत्माओं का ठिकाना। मरने के बाद जो आत्माओं को शांति नहीं मिलती वो यहाँ पर अटक जाते हैं, और इसीलिए जितने भी लोग ब्लाई मैनर की प्रॉपर्टी पर मरे वो सारे वायोला की इस पर्गेटरी का हिस्सा बन गए। वायोला ही वो लेडी इन द लेक है जो हर रात अपनी बेटी की तलाश में हवेली के चक्कर लगाती है। शी वुड वेक, She would walk. Damn, ये वाला एपिसोड वाकई में कमाल का था। Goosebumps. Back to 1987. Henry finally हिम्मत जमाकर फ्लोरा और माइल्स को लेने ब्लाई के लिए निकलता है। दुर्ब्लाई में डैनी की जान बचाने फ्लोरा खुद को वायोला के हवाले करती है। याद है ना, वायोला अपने बच्ची को लेने यहाँ आई थी। फ्लोरा को अपनी बच्ची समझकर वायोला उसे अपने साथ तालाब के अंदर लेकर जा रही थी कि तभी डैनी वो बॉडी स्विचिंग वाला मंत्र पढ़कर वायोला की आत्मा को अपने अंदर बुला लेती है। जैसे ही वायोला की आत्मा डैनी की बॉडी में जाती है उसकी एक आंख का कलर चेंज होता है, मतलब अब इसकी बॉडी में दो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज रह रहे हैं। डैनी की बॉडी में जाते ही ब्लाई मैनर से वायोला का श्राप उड़ जाता है और उससे कनेक्टेड सारी आत्माएं आजाद होती हैं। जेमी और ओवेंस को कुएं में पड़ी हैना की लाश मिलती है और ये फाइनली समझ जाते हैं कि इतने दिनों से वो हैना के आत्मा के साथ रह रहे थे। हेनरी अपने साथ फ्लोरा और माइल्स को लेकर अमेरिका चला जाता है। डैनी और जेमी भी अपनी आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने अमेरिका जाते हैं। कुछ साल बाद डैनी जेमी को शादी के लिए प्रपोज करती है, बट क्योंकि अभी तक सेम सेक्स मैरिजेस लीगल नहीं थे वो डिसाइड करते हैं कि फिर भी वो दोनों एक दूसरे के लिए रिंग्स पहनेंगे। ओवेन ने हैना को डेडिकेटेड रेस्टोरेंट खोल दिया, अ बेटर प्लेस। जब डैनी और जेमी इससे मिलने इसके रेस्टोरेंट गए तब ओवेन ने बताता है कि धीरे धीरे फ्लोरा और माइल्स दोनों अपने ब्लाई मैनर वाले भूतिया एक्सपीरियंस को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब इसके बारे में बस ये तीनों और हेनरी को ही पता है। तभी डैनी को अपने रिफ्लेक्शन में वायोला की आत्मा दिखती है। डैनी को अब लगने लगा है कि वायोला की आत्मा अब धीरे धीरे उसके बॉडी पर कंट्रोल करने लगी है। एक रात वायोला उठकर जेमी का गला दबाने की कोशिश करती है, बट समय रहते डैनी को होश आता है। जेमी के सेफ्टी की खातिर डैनी उसे छोड़कर चली जाती है और वायोला की आत्मा के साथ वो ब्लाई मैनर के तालाब में डूबकर खुद वहां की नई लेडी इन द लेक बन जाती है। बट जब से डैनी ने लेक में वायोला की जगह ली है तब से ब्लाई में कोई भी भूतिया इंसिडेंट नहीं हुआ, इंडिकेटिंग कि डैनी ने वायोला के गुस्से और नफरत को कंट्रोल करने खुद अपनी कुर्बानी दे दी। जब से डैनी उस लेक का हिस्सा बन गई तब से जेमी हर रात दरवाजा खुला रखकर डैनी का इंतजार करती है। वो फर्स्ट एपिसोड वाला ओपनिंग सीन याद है? जी हाँ, ये स्टोरी बताने वाली अननोन लेडी ही जेमी है। जेमी, ओवेंस, हेनरी और माइल्स यहाँ पर फ्लोरा की शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं। स्टोरी पूरी होने पर फ्लोरा इसे बताती है कि ये कोई घोस्ट स्टोरी नहीं बल्कि एक लव स्टोरी थी। वेल, टेक्निकली ये कोई एक लव स्टोरी नहीं बल्कि बंच ऑफ लव स्टोरीज कनेक्टेड टू वन घोस्ट स्टोरी थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि जेमी फिर से डैनी के इंतजार में दरवाजा खुला रखकर सो जाती है, बट वो नहीं जानती कि डैनी हमेशा से उसके साथ थी, बस वो सामने आकर उसे साइकोलॉजिकली ब्रेक नहीं करना चाहती। और यहाँ होता है द हंटिंग ऑफ ब्लाई मैनर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।